कोरबा न्यूज। इस समय आप देख रहे हैं कोरबा की खबर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रजगा मार्ग में कांग्रेस द्वारा आयोजित जनसभा में कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद व प्रत्याशी ज्योत्सना महंत, मोहन मरकाम, रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जायसवाल मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने बयान दिया। सचिन पायलट ने अपने बयान में कहा, राजस्थान में सभी 25 सीट में चुनाव हो गया है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 4 जगह मत पड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़त लेकर आगे निकल चुकी है। भाजपा के नेताओं के भाषण में सुन रहा हूँ, बौखलाहट जो मुझे दिख रही है, नकारात्मक कैंपेन शुरू किया, इस बात का प्रतीक है कि वो पिछड़ रहे हैं। देश में ये चुनाव बदलाव का चुनाव बन गया है। यहाँ हवा या वेव भाजपा के पक्ष में नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेसी है। लोग उब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। जवाबदेही तय करने के लिए लोग मत पेटी के माध्यम से अपनी मंशा रखेंगे। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को 4 माह हो गए, कोई छाप जनता के जेहन में नहीं छोड़ पाए हैं। बदलाव निश्चित होगा। कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ, बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। न्यूज के लिए बने रहे हमारे चैनल सजग निगाहें के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, राजस्थान में सभी 25 सीटों पर चुनाव हो गया है और छत्तीसगढ़ में 11 में से 4 जगह मत पड़ गए हैं। मेरा फीडबैक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़त लेके आगे निकल चुकी है और भाजपा के जो नेताओं के भाषण में सुन रहा हूँ, जो बौखलाहट मुझे दिख रही है, जो एक नकारात्मक कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि वो पिछड़ रहे हैं कि देश में ये चुनाव और बदलाव का चुनाव बन गया है। यहाँ कोई हवा या वेव भाजपा के पक्ष में नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो उठ चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और 10 साल में जो रिपोर्ट कार्ड बनी है सरकार की, वो जवाबदेही तय करने के लिए लोग मतपेटी के माध्यम से अपना मंशा रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, उसमें वो किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे शिक्षित नौजवान बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, मध्यम वर्ग हो। हाँ, कुछ चंद ऐसे लोग हैं देश भर में चुनिंदा, जिनके उन्होंने लाखों करोड़ कर्ज माफ़ किया है, जिनको उन्होंने देश की संपत्ति बहुत कम दामों में दे दी है। हवाई अड्डा है, हमारे खान खुदान हैं, बंदरगाह हैं, बिजली घर हैं, वो दिए हैं। लेकिन देश में अधिकांश लोग आज बदलाव चाहते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि भाजपा की सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 4 महीने हो गए, कोई छाप जनता के जहन में नहीं छोड़ पाए हैं। बदलाव निश्चित होगा और कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ, बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। ये तो भाजपा के कुछ नेता हैं जिन्होंने इस पर अभी टिप्पणियां करी, जिन्होंने बिना पूछे इस बात को बार बार कहा है और इसलिए भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनको सफाई देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं असमंजस लोगों के जहन में पैदा हो गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे विवादित स्टेटमेंट भाजपा के नेताओं की तरफ से आए थे। हमने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन जो मंशा है, जो उनके नेता खुद बोलते हैं, उसकी सफाई तो वही दे सकते हैं। भाजपा बने पूरे 11 जीतेंगे यहाँ पे। अब भाजपा तो बोल रही है 300 पार, 400 पार, 500 पार, उधर कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं तो जानता हूँ जिन राज्यों में गया, सारे देश में केरला से लेके कश्मीर तक जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ पर लोग बदलाव के मूड में। किसान किसानों की बात करें, भारत में किसान ने हड़ताल किया था, उसके बाद में मांगे पूरी हुई, आज क्या मानते हैं किसानों का छल हुआ है? किसान जो है आज आक्रोशित है। किसानों को 3 काले कानून बनाने के बाद जब विड्रॉ किया था तो ये वादा किया गया था कि MSP कानून बनेगा, आज तक वो धोखा दिया है भाजपा ने। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम फसल खरीद पे कानून बनाएंगे, ये संभवतः देश में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कमिटमेंट किया है और किसान आज
कांग्रेस की ओर देख रहा है उम्मीद के साथ, उसका हमको फायदा मिलेगा। प्रियंका जी बाबा जी आए हुए थे, क्या लगता है भाजपा पूरी तरीके से बाबाओं की तरफ भाग रही है? हर व्यक्ति देश में हर नागरिक, हर नागरिक को छूट है, किसी के लिए प्रचार कर सकता है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जो प्रचार हो, जो भाषण हो, जो केंद्र बिंदु मुद्दे होने चाहिए, वो किसान, नौजवान, रोजगार, निवेश, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा पे होने चाहिए, ना कि मंगलसूत्र और मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान, इन पर चर्चा कर कर जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है बीजेपी।